hello students in this video you will learn the chemical property of metals metal can react with oxygen water acid metal salt hydrogen etc metals are the most reactive substances they show different reactivity with the different type of substances like oxygen water acid so we will discuss one by one the reactivity of metal with oxygen then water देन एसिड्स तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल की एक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ मेटल्स वेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड एंड मोटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो एन ए टू ओ बनाता है तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सोडियम के साथ चार एटम लेंगे तब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी और यहाँ पर चार बनाने के लिए सोडियम के दो एटम हो जाएंगे फिर इसी तरह से पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी के टू ओ और यहाँ पर भी हमें पोटेशियम के चार एटम लेंगे और यहाँ पर दो होकर ये बैलेंस इक्वेशन होगी तो सोडियम और पोटेशियम एट रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाती हैं रूम टेम्परेचर रूम टी लिख दिया यहाँ ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एलुमिनियम ऑक्साइड बनाएगा पर मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेगा इसके लिए थोड़ी ज़्यादा हीट चाहिए एल्युमिनियम को बर्न करने पर हीट करने पर यह बर्न करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है इसी तरह से और जो मेटल है लाइक जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बनाएगा बट बर्न ऑन स्ट्रांग हीटिंग इसी तरह से अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एफ ई टू ओ फोर बट इसे हमें स्टीम के साथ, साथ भी हमें आयरन ऑक्साइड देता है बट जो आयरन है अगर इसको स्ट्रांग हीट हीट करते हैं बहुत तेज़ इसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है कॉपर को भी अगर हम ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग हीटिंग करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है तो हमने देखा है कि लगभग सारी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं अब ये मेटल के ऑक्साइड जितने भी बनाए अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन किए इन सब को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते, मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो मेटल के ऑक्साइड बनाए जब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये एन एच बना और ये के ओ एच बनता है यहाँ एम जी ओ एच टू आइस बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इधर एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर एफ ई ओ एच ट्वाइस और थ्राइस दोनों बन जाते हैं और कॉपर सी यू ओ एच ट बन जाता है और जिंक का जेड एन ओएच ट बन जाता है तो हम देखते हैं जितने भी मेटल के ऑक्साइड है जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं और इनकी भी सॉलिबिलिटी वाटर में डिफरेंट डिफरेंट है के ओ एच और एन एच जो है इनको हम एल्कि बेस कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं पानी में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बट के एन ओ एच और के और एम जी ओ एच ये हमारे डे टू डे लाइफ में इनका मोस्टली यूज होता है बाकी भी सारे यूजफुल है वी विल डिस्कस इट इन लेटेस्ट डेज और देअर फोर दिस शो दैट Metal hydroxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. This is a very very important point for the examination point. ये तो थे metallic oxide जब वो water से react करते हैं तो है, metal hydroxide बनाते हैं. अब हम directly देखेंगे कि metal जब hydrogen से react करती हैं तो किस तरह का behaviour show करती हैं. सिमिलर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व हियर मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड अब हम वन बाय वन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन इनका ऑब्जर्व करेंगे सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड सो सोडियम बनाएगा एन ए ओ एच ये अभी स्केल्टल रिएक्शन दिख रहे हैं अभी इनको बैलेंस करना है और ये दोनों ही मेटल वायलेंटली रिएक्ट करती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट तो कर जाती हैं बट लेस वायलेंटली रिएक्ट करती हैं तो कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके सी एओ एच डायरेक्टली बना लेगा साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी देगा इसमें भी हाइड्रोजन गैस मिलनी थी इसमें भी हाइड्रोजन गैस हमको मिलनी थी और ये एम जी ओ एच टाइस फॉर वाटर हमें मिलेगा बट इस केस में दोनों ही केस में हीट इवॉल्व होती है हीट इवॉल्व होती है मीन्स कि ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती हैं जिन रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट जनरेट होती है हीट रिलीज होती है एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस रिएक्शन इज दैट कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वॉटर से रिएक्ट करती हैं तो इसके बबल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के बबल जो है वो राइज करने शुरू हो जाते हैं और उन बबल्स पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्टिकल जो है स्टिक कर जाते हैं जिससे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर सरफेस पर फ्लोट करने लगती हैं देन वी विल टॉक अबाउट एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम जिंक और आयरन ये तीनों ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बट ये इन दिनों ही केस में जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में है ये भी स्टीम है ये भी स्टीम की फॉर्म है ये भी स्टीम की फॉर्म है और डायरेक्टली इनके मेटल ऑक्साइड नहीं बनते हैं पहले मेटल के हाइड्रोक्साइड नहीं बनते मेटल के ऑक्साइड बनते हैं इसका बनेगा ए एल टू ओ थ्री और यहाँ जेड एन ओ और यहाँ एफ ई टू ओ फोर ये सारी रिएक्शन जितनी भी है स्केल्टल रिएक्शन है बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है जस्ट हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये रिएक्शन ली गई हैं एल्यूमिनियम जिंक आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड तो बनाते हैं साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं ये भी एक बात नोट करने वाली है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है और दीस मेटल्स ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एक और इम्पॉर्टेंट इस पूरे सेट में कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसको हम स्टोर करते हैं तो कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम वाटर से मॉश, ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से वॉलेंटली रिएक्ट करके हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज वाई दे आर स्टोर्ड इन ए कैरोसिन ऑयल द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विद द डाइल्यूट एसिड्स अब हमारे पास मेटल सोडियम है पोटेशियम है या फिर एल्यूमीनियम मैग्नीशियम जिंक आयरन ये सारी की सारी मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाती हैं एसिड हम मान लो एच ले लेते हैं तो ये मेटल का सॉल्ट मेटल का सॉल्ट बनाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं बट कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये मेटल्स एच से मींस एसिड से रिएक्ट नहीं करती कोई रिएक्शन नहीं दिख देती हैं इसीलिए इन मेटल्स को हम नॉबल मेटल कहते हैं या फिर नॉबल एलिमेंट कहते हैं या फिर इनको हम इनर्ट मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि ये एसिड्स के साथ लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट SO4 यहाँ पे SO4 आएगा मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं बट कॉपर एल्यूमिनियम सॉरी नॉट एलुमिनियम सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नो no रिएक्शन दिखाती हैं An important question that is asked in the examination aqua regia. What is aqua regia? Aqua regia, royal water ko kehte hain It is a solution of HCl and HNO3. HCl ke yahan teen part hote hain aur और nitric acid का एक part होते हैं. इसके solution को हम royal water क्यों कहते हैं? क्योंकि ये royal metals like gold, silver और platinum को भी dissolve कर देती हैं. A very very important point. एंड द क्वेश्चन दैट इज आस्ट इन द एग्जामिनेशन इज एम्फोट मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं ये थ्री स्टार क्वेश्चन है तो एम्फोटरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री एंड द सेकेंड वन इज जिंक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड भी हम ले सकते हैं हम इन मेटल ऑक्साइड को एम्फोट ऑक्साइड इसलिए कहते हैं बिकॉज दे शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर सो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एच से रिएक्ट करते हैं तो ये ए एल सी एल थ्री अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसको हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले यहां लेंगे हम छे यहां पर दो और यहां पर तीन तो इस तरह से एल्युमिनियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के सारे आइटम बैलेंस हो गए तो एल्यूमिनियम ने अल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एच के साथ मेटल का सॉल्ट और वाटर बनाया अगर इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एनवाच से रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम एल्यूमिनियम तो ये सोडियम और एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनाता है एंड दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट ए एल ओ टू प्लस हमें देगा वाटर इसको बैलेंस करते हैं अगर इसके दो एटम यहां और यहां लेने से तो सारे लेफ्ट और राइट साइड के एटम इक्वल हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस से इक्वल बिहेवियर शो करता है इसी तरह से जिंक ऑक्साइड भी एसिड और बेस के साथ मेटल का साल्ट और वाटर बनाता है थ्रू दिस ऑल वी कम टू द कंक्लूजन दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एसिड बेस या फिर मेटल सॉल्ट डिफरेंटली सबसे ज्यादा मेटल रिएक्टिव सोडियम है फिर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम तो मेटल्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज तो इनको हम कैसे याद करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए एक स्टेटमेंट बनी है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अब्रा इंस्टेंट लुक हाउ कॉपर मर्सी सिल्वर गोल्ड तो बी से लिया पोटेशियम एस से सोडियम सी कॉलिंग कैल्शियम एम ई मैग्नीशियम ए से एल्यूमिनियम जेड से जिंक और आयरन डेन लुक एल लेड हाउ एच कॉपर कॉपर सी यू मर्सी मर्करी एच जी सिंबल है जिसका सिल्वर का ए जी सिंबल है और गोल्ड का एयू तो यू कैन लर्न दिस बाई लर्निंग दिस स्टेटमेंट